हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और बता बच्चों, लास्ट टाइम पे हमारी एक्सरसाइज बच्चों 6.3 हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी, है ना। मेरे ख्याल से उसमें कोई क्वेश्चन रह नहीं रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके थे हमारे उसके। मैंने क्वेश्चन नंबर 12, 14, 16 ये सब करा दिए थे मैंने। और आज बच्चों हमें एक्सरसाइज चालू करनी है 6.4। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ये सारे करेंगे हम लोग। ठीक है, कंसेप्ट कौन सा लगे बच्चों वो देख लेते हैं। हमारी थ्योरम बच्चों, थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके बच्चों दो ट्राइंगल, सपोज एक ट्राइंगल लिया बच्चों मैंने यहाँ पर ए बी सी, और एक ट्राइंगल लिया बच्चों मैंने यहाँ पर पी, और एक क्यू, और ये दिया बच्चों आर। अब ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर है, ठीक है। कंडीशन क्या है बच्चों कि ट्राइंगल हमारे क्या दे रखे हैं बच्चों, सिमिलर है। तो ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ये थ्योरम ये कहती है अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया होगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि ट्राइंगल अगर सिमिलर है बच्चों तो यहां पर उनके एरिया जो होगा, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। बच्चों ये स्टेटमेंट ये कहती है अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया होगा वो पर्टिकुलर उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। अब कहने का मतलब क्या है यहां पर, आपको ये तो बच्चों पता ही है कि पर्टिकुलर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों पीक्यूआर, वो बराबर होगा ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ रही है बच्चों, पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ रही है बच्चों, क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और ए सी के अकॉर्डिंग कौन सी आ रही है बच्चों, ए सी के अकॉर्डिंग साइड आ रही है बच्चों पी आर। तो ए सी अपॉन पी आर का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर। तो ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों हमारी, कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये कहने का मतलब, तो ये मेन कंडीशन है। और ये आप स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, अब क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे तो मैं वहाँ पर स्टेटमेंट लिख दूंगा, तो स्टेटमेंट का मतलब ये पूरा आपको लिखना है वहाँ पर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा उनका एरिया। ये कह रहा है कंसेप्ट हमारा, ठीक है। हटाए इसको, एक्सरसाइज चालू करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे सब देखते हैं फटाफट। स्टेटमेंट का मतलब है ये आपको वहां पे लिखना है पूरा का पूरा, और ये स्टेटमेंट याद करनी है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट है हमारा बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारी बच्चों 6.4 है, और उसका बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। और यहां दे रखा बच्चों एरिया, जो दे रखा बच्चों एबीसी का एरिया हमेशा स्मॉल में लिखेंगे ऐसे, कितना बच्चों 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको दे रखा बच्चों डीईएफ का, ये कितना दे रखा आपको 121, हाँ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग हमेशा क्या है इजी क्वेश्चन से ही होती है। ई एफ दे रखी बच्चों आपको साइड 15.4, ठीक है। आप लोगों से बच्चों बीसी वाली साइड पूछी जा रही है, तो सिंपल बच्चों आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। फिर यहां लिखोगे बच्चों क्या पूरी की पूरी स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, वाली स्टेटमेंट लिखोगे। तो जब ये ट्राइंगल बच्चों सिमिलर है तो इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ। अब हमें पर्टिकुलर कौन सी साइड दे रखी है बच्चों, ई एफ दिया और बी सी दिया है,
अब बेटा बी सी उठाओगे यहाँ से तो यहाँ यानी कि लास्ट के दोनों, तो यहाँ से भी लास्ट के दोनों आएंगे बच्चों, तो ये पर्टिकुलर इन साइड के रेशो के क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। अब कुछ नहीं करना बच्चों, अगला स्टेप में ए बी सी का एरिया कितना दे रखा है आपको 64, इसका एरिया 121, आपसे बी सी अपॉन ए एफ बच्चों कितना है 15.4। बच्चों जब मैं स्क्वायर लाऊंगा यहाँ पर तो ये रूट आएगा 64 अपॉन 121 बराबर बी सी अपॉन 15.4। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इसलिए भी आएगी क्योंकि लेंथ निकालना है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। 64 का रूट बच्चों 8, ये 21, 11, बी सी 154 पॉइंट लगाऊंगा बच्चों तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, 11, 14 का बच्चों कितना होता है 154, 14, 18 कितना होते हैं, अब 8 इंटू 14 ये 10 बच्चों कहाँ आ जाएगा नीचे, 14, 18, 112 अपॉन 10 इज इक्वल टू बी सी, यानी कि बी सी की जो लेंथ निकल के आ रही है बच्चों वो आ रही है 11.2 सेंटीमीटर। तो कंसेप्ट कौन सा यूज किया हम लोगों ने कि ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो हम लोगों ने इससे ये निकाल लिया सिंपल, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सिंपल था, वैल्यू पुट करनी थी और बस इसके अंदर सिंपल सा आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड पढ़ना चालू करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है बच्चों डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल टू डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ एंड एबी इज ट्वाइस ऑफ सीडी, ओके, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी। यहां बोला गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है एबीसीडी आपका एक ट्रेपेजियम है, आप जानते हो ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होती है, आपको दे भी रखा है एबी पैरेलल दे रखी है सीडी के, और बच्चों यहां पे एक कंडीशन और दे रखी है आपको एबी जो है वो दुगनी है किसके सीडी की, आपको फाइंड क्या करना बच्चों ये सब चीजें तो क्या होगी गिवन होगी, आपको फाइंड क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है उनका एरिया ऑफ एओबी अपॉन एरिया ऑफ सीओडी, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है कितना आएगा, ये है ना एरिया ऑफ एओबी और सीओडी। ओके तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट एबी दुगनी है तो एक काम करते हैं यहां पर ये बच्चों ट्रेपेजियम बन गया, ये ए ये बी ये सी और ये डी, ठीक है ये हो गया, यहां से हमारा एक डायगोनल बच्चों ये रहा, एक डायगोनल बच्चों ये रहा, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर ओ पॉइंट पर। अब मुझे एरिया निकालना है तो एरिया के लिए बच्चों पहली बात तो ट्रायंगल कैसे होने चाहिए सिमिलर, तो सिंपल सा आप लोगों ने 6.3 के अंदर भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया ऐसा, उसके अंदर हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लिया बच्चों दोनों के दोनों, तो आप देखोगे इसको एंगल 1 बोल दो इसको एंगल 2 बोल दो, ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे बच्चों, ये जेड सा बनना है आपका एक जेड, तो जेड में जब फॉर्म होते हैं तो ये एंगल बच्चों क्या कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे थे बच्चों क्या बोलोगे एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 5 और एंगल 6 कैसे होंगे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए बच्चों तो ये कैसे हो गए ट्राइंगल सिमिलर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, ठीक है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखा बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिखा बच्चों मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 ये क्या हो गया बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी। अब बच्चों क्राइटेरिया कौन सा लग गया बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, अब बच्चों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आप लोग क्या लिखोगे एरिया ऑफ एओबी अपॉन एरिया ऑफ सीओडी। अब बच्चों यहां पर विच इज इक्वल टू होगा बच्चों एबी पहली और तीसरी साइड उठाई मैंने यहां पर, यहां पहली और तीसरी क्या हो जाएगी एबी अपॉन सीडी का क्या हो गया होल स्क्वायर, और यहां बच्चों पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या कर दोगे आप चिपका दोगे, ठीक है वही द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड। एबी बच्चों दे रखा है दुगना है सीडी की, तो अगले स्टेप में क्या होगा एरिया ऑफ एओबी अपॉन एरिया ऑफ सीओडी इज इक्वल टू एबी जो है वो टू टाइम्स है सीडी के अपॉन सीडी का होल स्क्वायर, सीडी से सीडी बच्चों कट गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन कितना हो गया 1, तो इनके एरिया का जो रेशियो है बच्चों कितना आ गया दैट इज 4:1।
ये इसका आंसर हो गया बच्चों। और क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व, मतलब सिंपल चीज थी कि आपको एरिया का रेशियो निकालना था। सबसे पहले ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, तभी सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया जो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। तो ट्रायंगल हम लोगों ने सिमिलर कर लिया, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 6.3 में, अगर आप लोगों को याद हो। अगर आप लोग तरीके से नोट्स बना के चल रहे होंगे, क्वेश्चन सही से नोट कर रहे होंगे, लेक्चर सही से देख रहे होंगे सीरियस तरीके से, तो आप लोगों को याद होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आप लोगों को आते ही है, बस मेन चीज ये करनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आसान था हमारा, फटाफट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर बच्चों जो तीसरा है हमारा, वो अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको एक बीच में रोकता है। ये फिगर दे रखा है बच्चों, अगर आप फिगर को देख रहे होंगे तो आपको ट्रेपेज़ियम जैसा लग रहा होगा, है ही नहीं, दिख रहा है। और यहाँ बोला है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स, पहले बात तो एक डायग्राम बनाए थे ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ए बी सी और डी बी सी इस तरीके से जा रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पॉइंट है बीच में। अब आप लोगों से बुला के बच्चों एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स। अब एक चीज देखो, आपको ट्रेपेज़ियम लग रहा था बच्चों, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी बी सी ये भी एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स कैसे जोड़ा गया है, उससे जो डायग्राम दिख रहा है वो भी ट्रेपेज़ियम जैसा लग रहा है, एक्चुअल में ट्रेपेज़ियम नहीं है बच्चों ये, जिनका सेम बेस है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों का बेस क्या है बच्चों, सेम, ये जो बी सी वाली लाइन है ये दोनों ट्राइंगल एक सेम बेस से बने हुए हैं, और जो बेस है यहाँ पर बच्चों को क्या है सी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला एडी, एडी को ज्वाइन किया और जो बेस को कट कर रही है ओ पॉइंट पर। अब आपसे बोला जा रहा है बच्चों एरिया निकालो एबीसी अपॉन डीबीसी इज इक्वल्स टू, आपको यहां पर शो क्या करना है बच्चों, शो ये करना है एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल टू ए बी सी ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये है बच्चों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं अब कैसे क्या करना है वो बच्चों देख लो जरा। अभी तक एक चीज मुझे बताओ जरा आप लोग, पहली बात तो एक बार इसको जरा नोट करो डायग्राम को सही से। बीच बीच में बेटा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है, कहीं ऐसा नहीं पढ़ाते चले आ रहे हो बंद हो जाए वो, कुछ लेक्चर तो कई बार ऐसे भी हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि अगर आपका एरिया जो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यहाँ जो एरिया है वो साइड पे स्क्वायर लगा हुआ है कि यहाँ पर नहीं लगा ना, तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये वाला कंसेप्ट तो नहीं लग रहा होगा, कुछ और ही कंसेप्ट लग रहा होगा, तो हम लोग सिमिलरिटी पे आते हैं। अगर आप देख रहे हो कि ए बी सी दिख रहा है आपको ट्राइंगल, और डी बी सी ये भी एक ट्राइंगल है आपका, दोनों का बेस क्या है बच्चों बी सी। तो पहली बात तो अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक कंसेप्ट मैंने और पढ़ा हुआ है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, कि एरिया जो ट्राइंगल का होता है, मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, वो हमारा ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कुछ पैरेलल भी नहीं दे रखा, सही है कि मान लो इनको सिमिलर कर दें तो हम लोग इस तरीके से ए ओ ले लें, इसका डी ओ ले लें, ऐसी कंडीशन भी नहीं दे रखी। तो बेटा यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस वर्टेक्स से बच्चों एक परपेंडिकुलर डालते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों वो हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इसको ई बोल दिया बच्चों, ऐसी डी पॉइंट से बच्चों मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, इसको मैंने बोल दिया बच्चों एस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन मैंने चीज लिखी बच्चों यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन जरूरी क्यों है बच्चों, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी जिससे आप ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सको, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल प्रूव कर सको, रेशियो इक्वल कर सको। तो यहाँ पे हमें अपनी तरफ से सिंपल सा ड्रॉ करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर, तो हम लोगों ने यहाँ पर बिना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एंड डी एफ ऑन बी सी।
एक परपेंडिकुलर AE ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर DF ड्रॉ किया, और दोनों के दोनों किस पे है? BC पे। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये वाला कंसेप्ट लगाया बच्चों, ट्रायंगल का एरिया। तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ बच्चों ABC का। तो यहाँ देखो दोनों का बेस क्या है, BC, और परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, AE। अगर मैं DBC का एरिया निकालूं तो बेस क्या होगा, BC, और परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज DF। तो सबसे पहले मैं क्या लिखा यहाँ पे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ बेस BC हो गया बच्चों इनटू AE हो गया। इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे बच्चों मैंने एरिया निकाला DBC का व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ बेस हो गया बच्चों BC और ये हो गया बच्चों DF। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बना के चलेंगे, उस तरीके से आपको करना है। अब बच्चों मैंने क्या किया, अगले स्टेप में मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। मैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अगले स्टेप में लिखोगे डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो बच्चों 1/2 से 1/2 कट गया, BC से बच्चों BC कट गया। तो एरिया जो होगा ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC वो आएगा बच्चों AE अपॉन DF। ये आएगा ऊपर वाले का एरिया, नीचे वाले का एरिया किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन DF के। मुझे बच्चों किसके इक्वल प्रूव करना था, AO अपॉन D हो गई। अब ये आ रहा AE और ये बच्चों DF, इनका रेशो आया। अब कहीं किसी तरीके से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कर दूं, तो इसके अंदर साइड आ रही है AO, इसके अंदर साइड आ रही है DO, AE अपॉन DF का जो रेशो है वो AO अपॉन DO के इक्वल कर दूं, तो मुझे ये दोनों ट्रायंगल क्या करने पड़ेंगे, सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब समझ आया नाटक क्यों मैंने क्यों किया, ये परपेंडिकुलर वाला ये नाटक इसलिए किया था ताकि ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी क्या है, बाद में मैं इनके सिमिलर इनके रेशियो के इक्वल प्रूफ कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ देखा बच्चों नाउ इन ट्राइंगल ए ओ ई एंड ट्राइंगल डी एफ ओ डी एफ ओ। अब देखो करेस्पॉन्डिंग लेना था ऐसे ले लेते हैं ए ई ओ एंड डी एफ ओ। ओके, तो सबसे पहली बात तो एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल के अंदर पहली बात तो ये वाला एंगल जो है ये 90 है दोनों के अंदर बच्चों ईच। इसके अंदर जो एंगल ई आ रहा है, इसके अंदर जो एंगल एफ आ रहा है, ईच 90 डिग्री हो गए। आपको तीनों क्राइटेरिया बताएं, डबल ए ट्रिपल ए एस ए एस ट्रिपल एस, ये हो गया। दूसरा चीज क्या होगी बच्चों, ये जो एंगल दिख रहा है आप लोग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों कैसे होंगे आपके आमने सामने वाले, यानी कि वर्टिकली ये वर्टेक्स है बीच में, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ए ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एफ, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा अगला स्टेप, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ओ, और क्राइटेरिया कौन सा लग गया, ए डबल ए क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया के थ्रू बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, अगला स्टेप आपको पता ही है कि जब भी आपके ट्राइंगल्स बच्चों सिमिलर होते हैं तो उनका जो पर्टिकुलर साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। एंड नाउ विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पर ए अपॉन डी एफ का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा बच्चों ए ओ अपॉन किसके, डी ओ के। जब मैंने बच्चों यहाँ से ए लिया तो यहाँ से मुझे डी एफ लेना पड़ेगा, जब मैंने यहाँ से ए ओ लिया तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, डी ओ। तो यहाँ से ये रेशियो बच्चों इक्वल है, कंडीशन कौन सी लगी, सी पी एस टी। इसको बोल दिया बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कंडीशन से इनका जो रेशियो था वो इक्वल आया था ए अपॉन डी ओ के, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया पुट। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी एंड विच इज इक्वल टू बच्चों ए ओ अपॉन क्या आ गया, डी ओ, एंड हेंस क्या हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन था बच्चों मजेदार वाला एकदम काफी क्वेश्चन है, अगर बच्चों ने लिंक कर रखा होगा तो उनके दिमाग में आइडिया नहीं आता, ये कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ नहीं आती। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त तरीके से क्या करें, एकदम तैयार। ठीक है, इसे नोट करना बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ वाला, ठीक है इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
पढ़े बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इजी है क्वेश्चन बच्चों, उसमें ऐसा कोई ज्यादा भारी भरकम काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th जो है वो क्या कह रहा है हमारा, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया इक्वल है तो ये प्रूव करो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में बात, क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक, आपको कंडीशन क्या गिवन है बच्चों, आपको कंडीशन ये गिवन है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो इक्वल है बच्चों किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, और ट्राइंगल बच्चों सिमिलर है, सिमिलर होंगे तभी तो है, ये भी बच्चों कंडीशन दे रखी है। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का। अब एक चीज देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको ये पता है कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर क्या है। सिमिलरिटी के, और सिमिलरिटी के अंदर भी सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट के अंदर भी ट्राइंगल्स के सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अंतर जो होता है, सिमिलरिटी में साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं ट्राइंगल बनाता ए बी सी वाला, तो ए बी साइड इक्वल होनी चाहिए पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के। अगर इक्वल होती हैं तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि बच्चों ए बी बराबर होगा पी क्यू एंड बी सी बराबर होगा क्यू आर एंड ए सी बराबर होगा पी आर के। मतलब समझ आ रहा है, सिमिलर ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, बट सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल सिमिलर तो है बट ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि मुझे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो मैं प्रूव करता हूँ इसको, सॉल्यूशन देख लें इसका। ठीक है, अब एक चीज देखना, सबसे पहले तो मैंने फ्रॉम गिवन कंडीशन, मैंने बच्चों गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी जो था वो सिमिलर था ट्राइंगल पीक्यूआर के। तो आपको ये तो पता ही है, यहाँ पे जब भी ट्राइंगल सिमिलर होगा तो पर्टिकुलर यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, हर जगह कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, बट मैं बताता इसलिए रहता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए कि भैया ट्राइंगल सिमिलर, एंगल इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल और ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, इन सब का रेशियो इक्वल होगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1st बोल देते बच्चों हम लोग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको ये बताया ट्राइंगल बच्चों इक्वल है, सिमिलर है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये बराबर होगा बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के, ऐसे बच्चों BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के बराबर होगा क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, तो AC अपॉन PR के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और बगल से आप स्टेटमेंट चिपका दोगे बच्चों, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो यहां बच्चों इनका एरिया जो है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बच्चों यहां पर ही दोनों एरिया इक्वल है, अगर एरिया इक्वल है बच्चों तो ABC की जगह मैं लिख सकता हूँ PQR, बोलो हाँ है ना, एरिया ABC बराबर है PQR के। तो अगर ये भी चार होगा तो ये भी चार होगा, ऊपर भी चार नीचे भी चार, तो चार चार कितना हो गया 1। तो अगली कंडीशन क्या आएगी बच्चों, इनका रेशियो आ जाएगा 1, बराबर हो गया AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, बराबर हो गया BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, बराबर हो गया AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। अब ये सभी के सभी आपस में इक्वल है, लेकिन अगर इसको इसके इक्वल करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इन सभी को बच्चों मैंने किसके इक्वल कर दिया, 1 के इक्वल कर दिया। तो वहां से मुझे रिजल्ट क्या मिला, मैंने बोला भैया ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा, मैं पहले वाले में कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर 1। आप बोले प्लस माइनस 1 क्यों नहीं आया, बेटा ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। बच्चों पी क्यू इधर जाएगा तो ए बी बराबर क्या हो गया PQ, ऐसे आप बच्चों BC अपॉन QR का होल स्क्वायर बराबर 1 है, तो यहां से कंडीशन क्या आएगी BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, एक कंडीशन और बच रही है बच्चों, यहां लिख दूं
अगली कंडीशन क्या लिखेंगे आप लोग, AC अपॉन PR का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एंड यहां से कंडीशन क्या आएगी बच्चों, AC इज इक्वल टू PR। ठीक है, तो यहां दिख रहे बच्चों आपको ये प्रूव करना था AB PQ के इक्वल BC QR और AC PR के। तो यहां से AB PQ के इक्वल आ गया, BC QR के आ गया, AC PR के आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और क्राइटेरिया कौन सा बन जाएगा, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होगा। इस पर नोट करिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, फटाफट पढ़ने लगा क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्थ पढ़े बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए। DEF are respectively the midpoint of the side AB, BC and C of triangle ABC. Find the ratio of the area of DEF and triangle ABC. पहली बात तो हम लोग इसका एक ओवरव्यू लेके चलेंगे। पहले तो आपको तरीका समझा दूंगा कैसे कैसे करेंगे, बाद में इसको लिख के बता देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बच्चों, ये ट्राइंगल दे रखा है बच्चों आपको। ठीक है, ये ट्राइंगल दिया गया बच्चों ABC। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है इसका मिड पॉइंट है बच्चों डी, इसका मिड पॉइंट है बच्चों ई, इसका मिड पॉइंट है एफ। इनको ज्वाइन किया तो यहां से बच्चों एक ट्रायंगल बन गया हमारा, दैट इज डी ई एफ। आप लोगों से बोला जा रहा है कि एरिया निकाल के बताइए जरा, आपको यहां पर फाइंड क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ, रेशियो निकालना है एरिया किसका, डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, इनका रेशियो फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, और आपको कंडीशन क्या है बच्चों, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी। ए बी सी के अंदर डी ई एफ ये मिड पॉइंट है साइड ए बी बी सी और सी ए के, और आपको इनका रेशियो निकालना बच्चों इस वाले एरिया पर ट्रायंगल का एरिया का वर्सेस पूरे इनका रेशियो कितना आएगा, दैट इज 1:4। ठीक है, वो कैसे आएगा आप देखो, यहाँ क्लास नाइन्थ के अंदर अभी आपको सम कंसेप्ट समझना है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल तरीके से समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात कहूँगा अगर मैं सिंपल तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँचवा सातवां और तीसरा तो आप जानती हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्लास नाइन्थ के अंदर बच्चों ये पढ़ा था कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी लाइन की क्या होती है, पैरेलल, और क्या होती है, हाफ। ये भी तो पढ़ा था आप लोगों ने। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर मैं ये पूरी लाइन बच्चों, अगर मैं एक्स मान लेता हूँ डिस्टेंस इसका पूरे का बी सी का, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, ये भी कितना हो जाएगा एक्स वाई टू। अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये वाली लाइन इस पूरे की पैरेलल होगी। ठीक है भाई, तो जब पूरे की पैरेलल होगी और आधी भी होगी तो बेटा BC का आधा मुझे ये मिलेगा एक्स वाई टू, यानी कि BF या फिर FC दोनों की वैल्यू कितनी है एक्स वाई टू, तो ये भी कितना हो गया एक्स वाई टू। और ये वाली जो लाइन है बच्चों वो पर्टिकुलर इस वाली लाइन की क्या है पैरेलल, तो ये पूरी लाइन की पैरेलल है, भले इसका आधा हिस्सा उठाऊंगा तब भी पैरेलल होगा, ये वाला हिस्सा उठाऊंगा तब भी पैरेलल होगा। अब यहाँ पे आप कंसीडर करो बच्चों डी ई एफ बी, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा डार्क कर दूँ इस चीज़ को, डायरा मैं दोबारा बना दूंगा, डजंट मैटर, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप देखिए बच्चों इसको, तो ये आपको बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा,
दिख रहा है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, यानी कि डी पैरेलल टू बी एफ और डी बराबर भी है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है तो क्या होता है, पैरेलोग्राम। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर डी ई एफ बी के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन दिस इज सेड टू बी अ पैरेलोग्राम। तो डी ई एफ बी ये क्या बन गया, आपका एक पैरेलोग्राम बन गया। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो धनंजय, सौम्या, राजीव, तृप्ति, खुशबू, किसी को भी कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि पैरेलोग्राम में अगर मैं डायगोनल ज्वाइन करता हूँ बच्चों, तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो पैरेलोग्राम में डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम डिवाइड द पैरेलोग्राम इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो पर्टिकुलर जो डायगोनल्स बनने वाले जो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट यानी कि सब चीजें इक्वल है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो अगर मैं इसका एरिया बच्चों ए मान लेता हूं तो इसका एरिया भी मेरा क्या होगा, ए होगा। बोलो ये बात समझ आई? सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला पूरी साइड एक्स मान ली, ये मिड पॉइंट है तो आधा होगा एक्स बाई टू, तो ये भी आधा ही होगा एक्स बाई टू। अब यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन तीसरी लाइन की क्या होती है, पैरेलल और हाफ भी होती है। तो इसका हाफ करोगे तो एक्स बाई टू मिल जाएगा, ये भी एक्स बाई टू और ये इसके पैरेलल है। तो यानी कि ये क्या बन गया, आपका एक पूरा एक पैरेलोग्राम बन गया। पैरेलोग्राम के अंदर ये डायगोनल है तो डायगोनल डिवाइड करता है किसी पैरेलोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर और दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो इसका एरिया भी ए, इसका एरिया भी ए। अब बच्चे दूसरे नंबर पर आते हैं, तो बच्चों जब ये पैरेलोग्राम हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है पैरेलोग्राम। ये वाली साइड इसकी भी तो पैरेलल है और ये इसके भी इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन से बच्चों ये भी क्या बन जाएगा आपका, एक ये भी पैरेलोग्राम बन गया। अब इसके अंदर ये आ रहा है डायगोनल, तो डायगोनल एक ट्रायंगल ले रहा है, एक ट्रायंगल ले रहा है, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, एक। और सेम कंसेप्ट आप ए डी एफ ई, ये भी क्या बनेगा आपका, एक पैरेलोग्राम। इसका एरिया ए, तो इसका एरिया भी क्या हो गया, ए। अगर आप रेशियो निकालने जाओगे तो इसका एरिया क्या आ रहा था, ए। और नीचे वाले में कितने हैं, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एक दो तीन चार, कितना हो गया, फोर। एक कटने के बाद कितना मिल गया आपको, 1:4। ये इसका आंसर होगा बच्चों। तो ये तो हमारा पूरा क्या मैंने आपको समझाया। अब बस ये जो चीज समझाई है इसको बस लिख के रिप्रेजेंट करना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं, समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम वहाँ पर ज़्यादा टाइम खर्च करें समझने में, जिससे वो उस पर हमारी पकड़ क्या हो, मजबूत हो। ठीक है, चालू करो बच्चों। अगर आपको डायग्राम ऐसा गड़बड़ लग रहा तो दूसरा बना लेना। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पर सिंस डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड इस, ठीक है, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है बच्चों हमारी, कि जो डी लाइन है बच्चों इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, तो बच्चों जब डी पैरेलल है बी सी की तो डी यहां पे जो आधा हिस्सा है बी सी का उसके ही पैरेलल होगी, तो यानी कि डी इज पैरेलल टू बी एफ एंड इसका आधा करूंगा बी सी का तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी एफ। therefore quadrilateral DEFB is a parallelogram। यहां से बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया, parallelogram हो गया। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। एंड फिर इसके बाद क्या लिखा बच्चों यहां पर, कि सिंस डायगोनल्स ऑफ अ parallelogram डिवाइड इट इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, कि डायगोनल्स जो होंगे पैरेलोग्राम के, तो ये बच्चों डायगोनल था, ये इसको दो ट्राइंगल्स में बांटेगा और दोनों का एरिया इक्वल होगा। यानी कि पर्टिकुलर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ होने के बाद बी डी एफ,
ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, यहाँ एक ऊपर लाइन लिख लेना बच्चों, यहाँ पर यहाँ लिख देना लेट एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए, इसके बाद ये लिखना बच्चों। तो इन दोनों का एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों, ए स्क्वायर यूनिट के इक्वल होगा, बोलो है ना। मैंने इसका एरिया सपोज कर लिया ए, तो इसका एरिया क्या होगा इक्वल होगा, तो इसका भी इसका ए है तो इसका भी इक्वल होगा, तो दोनों का क्या होगा ए स्क्वायर यूनिट, इसमें कोई डाउट ठीक है। और ये सारा ताम नाम बता दूं बच्चों यहाँ पर ठीक है। एंड नाउ अगला स्टेप क्या है बच्चों, तो जैसे इन दोनों का एरिया इक्वल हुआ बच्चों, जैसे ये हमारा एक पैरेललोग्राम बना था, सिमिलरली डी ई सी एफ एंड डी ऐसे पढ़ लो ए डी एफ ई आर पैरेललोग्राम, जैसे वो पैरेललोग्राम वैसे ये भी पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम है डी ई सी एफ, तो एक तो ट्रायंगल बनेगा डी ई एफ और एक ट्रायंगल बनेगा आपका सी ई एफ। तो यहां से क्या इंप्लाई कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ इक्वल होगा, तो ये भी आएगा ए स्क्वायर यूनिट के। और जब ये वाला पैरेललोग्राम लोगे ए डी एफ ई, तो ये ट्राइंगल बनेगा एक ट्राइंगल ये बनेगा, तो यहां से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये भी किसके इक्वल हो गए बच्चों ए के। एंड नाउ अब क्या करना है कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इसका एरिया ए था, ये चार ट्राइंगल से बना हुआ एक दो तीन चार, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन ए अपॉन फोर ए, यानी कि बच्चों कटने के बाद कितना रेशो मिल गया आपको 1:4। तो यानी कि इन दोनों का जो एरिया का रेशो आएगा बच्चों वो कितना आएगा 1:4 आएगा। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया है ठीक है बच्चों। आगे बढ़े उड़ा दें इसको, किसी को कोई डाउट, किसी भी प्यारे बच्चों को हमारा कोई डाउट है क्या, इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट। अगला क्वेश्चन बच्चों आसान है, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग 6.3 के अंदर कर चुके हो ठीक है, अभी कोई दिक्कत आएगी नहीं उसके अंदर। क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। अब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के पर्टिकुलर क्या आएगा, इक्वल आएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, छठवा, ये लीजिए बच्चों एक ट्राइंगल मैंने लिया यहाँ पर ए बी सी, और ये ट्राइंगल लिया मैंने बच्चों पी क्यू आर, थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, दूरी रहती बच्चों तो रिश्तों में क्या रहती है चमक है ना। ये बच्चों जी दोनों ट्राइंगल आ गए बच्चों ने, आपको कंडीशन में गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है बच्चों किसके पी क्यू आर के। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि जो एरिया है ए बी सी का अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, अभी तक ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल था। अब यहाँ पर इसकी बच्चों मीडियन है बच्चों मैंने यहाँ पर बोल दी डी, इसकी मीडियन मैंने ले ली बच्चों एम, तो ये ए डी अपॉन पी एम के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये प्रूव करना है। आप बच्चों ये तो जानते ही हो मीडियन जो होती है वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, सेम एज इट इज ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ इक्वल होगी ठीक है। बड़ा आसानी से प्रूव कर लेंगे हम लोग, अगर आपको थोड़ा भी याद हो 12, 14, 16 क्वेश्चन मैंने कराए थे उनमें से एक क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही था, देखो देखिए सॉल्यूशन बच्चों देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी जो है बच्चों वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, तो आपको पता है कि सिमिलर जब भी होता है तो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी
एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, दूसरा इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वो बराबर होगा बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। अब बगल से स्टेटमेंट चिपका दो बच्चों, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर टू, कोई दिक्कत? अब क्या करना है बच्चों मुझे यहाँ पर, मुझे किसी तरीके से ए बी अपॉन पी क्यू जो रेशियो है वो बराबर आ जाए ए डी अपॉन किसके पी एम की। अब एक चीज देखो, ये वाली साइड तो इसके करस्पॉन्डिंग है, ये पूरी साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, मुझे पर्टिकुलर चाहिए ये वाला एंगल। बच्चों देखो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये एंगल इसके इक्वल है। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये एंगल और इनके बगल में साइड, अगर ये मैं छोटा सा ट्राइंगल ले लूँ बच्चों ये वाला ए बी डी और यहाँ ट्राइंगल ले लूँ पी क्यू एल, तो ये साइड तो प्रोपोर्शन है ही, यहाँ पूरी साइड है। अगर उसकी जगह मुझे ये मिल जाए बच्चों बी डी और यहाँ मिल जाए क्यू एम, ये साइड प्रोपोर्शन हो जाए तो एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन किसके पी एम के, और ए बी अपॉन पी क्यू को रिप्लेस कर देंगे ए डी अपॉन पी एम से तो हमारा आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। तो अब क्या करना बच्चों, अभी नाटक, अब सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे, ये सब नोट कर लिया बच्चों, अब इसका मैं लिखने आ रहा हूँ वो देखो आप, मैं लिखा बच्चों यहाँ पर नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए बच्चों, एक ट्राइंगल लिया ए बी डी और एक पी क्यू एम। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये चीज तो बच्चों गिवन है क्योंकि ट्राइंगल क्या था सिमिलर। और एक चीज देखो, यहाँ से अगर रेशियो निकालूं इसके अंदर साइड कौन कौन सी आ रही है, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या है क्यू आर, इसके बाद वाला स्टेप बच्चों यहाँ से होगा। फिर मैंने आपको बताया अगर रेशियो आप इक्वल है, रेशियो अगर दे रखा है आपको तो अगर उसे कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो हमारा मैथमेटिकली कोई भी रूल्स हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे चाहिए था बी डी, मुझे पता है बी सी का आधा होता है बी डी, तो मैंने बोला कि ए बी अपॉन पी क्यू को दोबारा छेड़ा जाए, किसको छेड़ा जाए बी सी अपॉन क्यू आर को, तो बी सी अपॉन टू कर दिया और क्यू आर अपॉन क्या कर दिया बच्चों टू कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसका आधा करने पे बी डी मिलता है डी सी मिलता है, लेकिन अभी हमें जरूरत किसकी है बी डी की, यहाँ देखोगे तो क्यू आर का आधा करने पे क्यू एम भी मिलेगा एम आर भी मिलेगा, लेकिन हमें जरूरत किसकी है क्यू एम की। तो अगले स्टेप में मैंने क्या लिखा बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल आगे बच्चों बी डी अपॉन किसके क्यू एम के। तो आप देख रहे हो बच्चों ये आपकी साइड, ये आपका एंगल और ये आपकी साइड, तो एस ये साइड और ये साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, तो देयर फोर अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, देयर फोर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, क्राइटेरिया कौन सा लग गया बच्चों एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा बच्चों हमारे सिमिलर हो गए। अब इसके बाद आप लोग बचपन से जानते हो कि ट्राइंगल जब भी सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, रेशियो इक्वल होता है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बच्चों ए बी है अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो ए डी अपॉन किसके होगा पी एम के बाय सी पी एस की, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ पुट इन सेकंड सेकंड इक्वेशन में ए बी अपॉन पी क्यू की जगह बस क्या लिखना है आपको ए डी अपॉन पी एम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बराबर था बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर, तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह बच्चों ने क्या लिख दिया ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर, हेंस क्या हो गया प्रूव हो गया। और यही क्वेश्चन हमें क्या करना था बच्चों प्रूव करना था, लीजिए ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता है समाप्त। किसी को कोई डाउट, किसी बच्चे प्यारे बच्चे को कोई डाउट है क्या बोलो भाई, कमेंट सेक्शन में लिख दो बच्चों, नहीं है पढ़ा दूँ बच्चों इसको, चलिए
लाने के बाद अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लेना फटाफट, पढ़ लो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए बच्चों, ये लीजिए ए बी सी डी हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी सभी साइड को अच्छा क्या मान लिया, एक्स सेंटीमीटर मान लिया, कुछ रंग रंग प्रतियोगिता हो जाए बच्चों, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, बोलो हाँ। अब इसकी किसी एक साइड में बनना है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने इस साइड में बना दिया बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको नाम दे दिया बच्चों ई। अब आप लोग जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं इक्वल और सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है इक्वल, तो अगर ये साइड इसकी एक्स है और वही साइड स्क्वायर की भी थी तो ये भी क्या होगा एक्स, ये भी क्या होगा एक्स, बोलो हाँ, यहां तक क्लियर है। तो इस ट्रायंगल की जो साइड आ गई बच्चों को क्या आ गई, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है एक्स। ठीक है, अब बोला है कि पर्टिकुलर इसका जो एरिया होगा, अब वो जो डायगोनल पे बन रहा है इसका डायगोनल अगर देखें तो एक डायगोनल बीडी भी होता है, एक डायगोनल एसी भी होता है। अगर मैं इसको जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ दूं बच्चों तो ये डायगोनल हो गया स्क्वायर का। अब यहां पे आपको बताया कि यहां पर हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, यानी तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा बच्चों तो आप लोग जानते हो कि एसी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सब के बराबर होगा, यही होगा। तो एसी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए भी बच्चों एक्स दे रखा है, ये भी एक्स दे रखा है, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, मैं ग्रीन यूज कर रखा हूँ, तो मैंने ब्लू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बच्चों कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर, इसका हटाऊंगा बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा रूट, तो रूट हटाएंगे तो ये रूट टू एक्स स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा एक्स, तो ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों रूट टू एक्स। तो ये वाली साइड जो है बच्चों इसकी लेंथ क्या निकल के आई रूट टू एक्स। ठीक है, आप लोग ये काम करो पहली बार तो यहाँ तक नोट कर लो, बड़ा ही सुंदर डायग्राम बन रहा है, बोलो हाँ ना, मन्ना कि मन्ना, अच्छा बना डायग्राम। ठीक है, ठीक है, अब देखो भाई इसमें क्या बोल रहे हैं लोग कि अभी तो हम लोगों ने ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था इसकी साइड पर, अब बोला है कि पर्टिकुलर डायगोनल पे बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो डायगोनल पे बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों कुछ इस तरीके का होगा, इसको नाम देता हूँ एफ। तो अगर ये साइड इसकी रूट टू एक्स आई है तो ये साइड भी बच्चों कितनी होगी रूट टू एक्स, ये साइड भी क्या होगी, क्योंकि सभी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है इक्वल। आपको प्रूव करना है इसका और इसका जो रेशियो होगा वो 1:2 आएगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब रेशियो जो एरिया है पर्टिकुलर वो क्या है ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, ये कंडीशन समझ में आ गई बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, अच्छा कर दें डायग्राम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और सभी एंगल कितने के होते हैं 60 डिग्री होते हैं ईच, बोलो हाँ। तो अगर बेटा इसका एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल क्या होगा 60, इसका एंगल देखोगे तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी क्या हो गया 60। अगर दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर करने जाऊंगा तो ट्रिपल एट क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के एंगल्स क्या है इक्वल है, भले वो छोटा सा बने बड़ा सा बने सभी का एंगल क्या रहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 होता है। तो सभी के इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एंगल होते हैं इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। तो अगला स्टेप क्या लिखोगे आप लोग, ऑल एंगल्स इन एन इक्विलेटरल
इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। तो ये सभी ट्राइंगल्स एक दूसरे के बटकुलर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और क्राइटेरिया कौन सा लगता है बच्चों, ट्रिपल ए क्राइटेरिया लगता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि सभी का एंगल्स क्या होता है 60 डिग्री ईच होता है। तो अब जब आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यानी कि आपका ट्राइंगल कौन सा AED ट्राइंगल AED सिमिलर होगा बच्चों किसके, ACF के। तो जब ये सिमिलर है तो इनका जो एरिया होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के क्या होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका एरिया कोई भी ले लो, इसकी साइड क्या है x, इसकी साइड क्या है रूट टू एक्स का होल स्क्वायर, x से x कट गया, यहाँ बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 और रूट टू का स्क्वायर 2। तो एरिया ऑफ AED इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACF। तो देखो साइड पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो डायगोनल पे बनने वाले का क्या होगा, हाफ होगा। और यही चीज हम लोगों को क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, फिर भी अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, फिर हम डील करेंगे उसके साथ। अब बचे दो क्वेश्चन बच्चों, तो दो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सिंपल है हमारे, फटाफट करा देते हैं उनको और ये एक्सरसाइज क्या कर देते हैं हम लोग, पैक कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देखो यार यहाँ पर ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ABC ये एक आपको पर्टिकुलर देखा है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, हाँ, और BDE और D यहाँ पे मिड पॉइंट है। अब BDE, अब देखो E पॉइंट यहां बनाना चाहते हो, बाहर बनाना चाहते हो, बाहर बनाए थे तो अच्छा अच्छा लगेगा। तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और BDE भी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, D यहां पर मिड पॉइंट है। अब बच्चों अगर ये चीज बताओ जरा मुझे, अगर इस साइड की लेंथ x मान लूं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी x होगी, ये पूरी भी x होगी और ये मिड पॉइंट है तो ये आधा हो जाएगा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड क्या होगी x/2। और सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं सिमिलर। अब मुझसे रेशियो क्या पूछा है बच्चों, रेशियो पूछा है एरिया ऑफ ABC, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बाय ट्रायंगल क्राइटेरिया कौन सा ट्रिपल ए, इनका रेशियो पूछा गया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, इसकी साइड बच्चों x थी, इसकी साइड थी x/2। अब इसमें अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा x/x, ये 2 ऊपर पहुंच गया, काटोगे 2 का स्क्वायर 4 4/1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इनका जो रेशियो निकल के आ गया बच्चों कितना आ गया 4:1 निकल के आ गया बच्चों। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है बच्चों, दो साइड्स दे रखे हैं दो सिमिलर ट्रायंगल की, अगर उनका रेशियो है 4:9, उनका रेशियो कितना आ रहा है 4:9, ये क्या मतलब है 4/9। तो आपसे पूछा गया इनका एरिया का क्या होगा, तो एरिया का क्या होता है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81। और यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या होती है बच्चों 6.4 एक बार में खत्म कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, सारे क्वेश्चन करा दिए बच्चों मैंने। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगता है, दिक्कत लगती है, तो आराम से मुझे व्हाट्सएप में भेज देना ग्रुप पे या तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है बच्चों। और अगली एक्सरसाइज है बच्चों हमारी 6.5 पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एंड थ्योरम 6.7, इस कंडीशन में बेस्ड है, बहुत ही शानदार तरीके से उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, कीप एंजॉय, लगातार देखते रहिए।